बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने भी 786 पर SMS सेंड किया था और आपको हुकूमत की जानिब से 786 प्रोग्राम की जानिब से 2000 रुपए का SMS भी रिसीव हो चुका है और आपको उस SMS के जरिए इमदाद नहीं दी जा रही है और आप हुकूमत की जानिब से इमदाद रिसीव करना चाहते हैं? क्या आपके पास भी बेनिजी इनका सपोर्ट प्रोग्राम का कार्ड मौजूद है या फिर आपके पास भी बेनिजी इनका सपोर्ट प्रोग्राम का कार्ड मौजूद नहीं है और आप हुकूमत की जानिब से बेनजीर इनका सपोर्ट प्रोग्राम की जनिब से 14,000 की इमदाद रिसीव करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आपने हरगिज़ स्किप नहीं करना, आज की इस वीडियो को आपने मुकम्मल जरूर से देखना है। तो चले गए इस वीडियो के जाने पर, तो उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए आज के दिन सामने रेड कलर का आपको बटन नजर आ जाएगा, आप लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जिन खानदानों को बेनजीर इनका सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से या 786 की जानिब से कोई मैसेज रिसीव हुए हैं जिसमें उनको कहा गया कि आपकी इमदाद आ चुकी है और 786 प्रोग्राम वालों ने काम क्या करना है, उन्होंने किसी भी करीबी अल हबीब यानी कि HBL के ATM पर चला जाना है और वहां से जाकर अपना जो शनाख्ती कार्ड है वो ऐड करके आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP पर आपने क्या करना है, अपना जो अमाउंट है, अपने जो पैसे हैं वो निकाल लेना है। ये तो वो हो गया कि जिन खानदानों को 786 की जानिब से मैसेज आया, वो खानदान जिन खानदानों को यानी कि बेनजीर इनका सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से इमदाद रिसीव करना चाहते हैं तो उन खानदानों ने काम क्या करना है, उन्होंने जस्ट उन्होंने अपना जो बेनजीर इनका सपोर्ट प्रोग्राम का जो कार्ड है वो लेकर आपने किसी भी करीबी अल हबीब पर चला जाना है। अगर आपका अकाउंट ब्लॉक है तो फिर आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने कार्ड को अनब्लॉक करवा सकते हैं। अगर आपका कार्ड ब्लॉक नहीं है तो फौरी तौर पर आपको हुकूमत की जिन इमदाद दी जाएगी और जिन खानदानों के पास नहीं मौजूद है तो वो खानदान भी काम क्या कर सकते हैं, वो खानदान अपने शनाख्ती कार्ड के जरिए बेनजीर प्रोग्राम के कार्ड के पैसे भी निकाल सकते हैं। उम्मीद है मुख्तसर से अपडेट, मुख्तसर से वीडियो आपको अच्छे लगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।